तो भाई की बैग को लेके शुरू से बड़ा ही इसमें हमारी इस जर्नी के अंदर बहुत वो इशू रहा, और अभी लास्ट टाइम पे भी बहुत टोल किया गया बैग को लेके। तो अब आपको भाई की बैग के अंदर ना थिकनेस, वाइडनेस, जिस चीज़ पे मैं डे वन से मेहनत कर रहा हूँ वो सभी चीज़ दिखेगी, और आप देखना आपको खुद इतना मज़ा आएगा, अमेजिंग प्रेजेंटेशन। मैं सभी चीज़ बताऊँगा, प्रेजेंटेशन, थिकनेस, वाइडनेस, और जो चीज़ों पर आपको मतलब कंप्लेन थी कि नहीं है वो सब देखने को मिल जाएगी, अल्टीमेट बैग। हाँ अब मगर फिर भी कुछ भाइयों को थोड़ी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी? एक ना स्किन वाटर होता है, वो लास्ट के 3-4 दिन में ही बॉडी से निकाला जाता है। अच्छे एथलीट का तो यही है, वो डे वन से नहीं, क्योंकि वो भी एक क्रिएटिविटी का पार्ट है, हर चीज़ का एक समय होता है। अब वो स्किन वाटर को भी बोलेंगे जी लोअर बैक और ये, तो दोस्त देखो उस चीज़ पर मत जाओ, जज वो चीज़ करा करो जो चीज़ आपको दिखाई जाती है, ठीक है? तो आज हम जो दिखा रहे हैं आपको वाइडनेस और भाई की थिकनेस, जो थिकनेस में वर्क किया, जो खुल के आई है, ये देखना अब भाई दिखाएंगे आपको। देखो सुरेश, आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ रियल बॉडी बिल्डिंग से। कोई इंसान नहीं, रियल बॉडी बिल्डिंग की जब आप प्रेप करते हो तो कितनी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो हमने जो करा अभी 3-4 महीने में, मुझे लगता है वो आसान था, लेकिन ये वाला पार्ट जो है गाइस, कि आप जितना अच्छा दिखते जाओगे आपकी बॉडी में उतनी वीकनेस आती जाएगी, उतनी ही कमज़ोरी। बस दी ओनली थिंग दैट विल कीप यू गोइंग इज़ योर माइंड सेट, कि आप दिमाग से कितने स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज हर चीज़ बंद हो जाती है इस टाइम तक। तो धीरे धीरे आते आते तक एवरीथिंग विल बी, ये कहते हैं ना, मिनिमाइज। आप कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हो? जैसे अभी मेरी हालत आपको मैं बताता हूँ, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली वीक, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा हूँगा लेकिन अंदर से नो एनर्जी। बड़ी मुश्किल ही अपने आप को पैप अप करा है कि मैं वर्कआउट करूँ, जान नहीं है, बोला नहीं जा रहा, दिल कर रहा बस लेटर हो, कुछ नहीं। तो भाई ये सबके साथ होता है, मेरे साथ ही हो रहा है भाई। एक्चुअल में जो एथलीट होता है ना, वो एथलीट तभी बनता है जब वो इस पेन को बर्दाश्त करता है, इस पेन को जीतता है। वो जो हम स्टार्टिंग में थे इस एथलीट जर्नी, वो एक कॉमन चीज़ होती है, हकीकत होता है वो बहुत कॉमन सा हो जाता है कि भाई वेट एक ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको पहले भी एक बार हमने बात करी थी, तो मैंने बोला था वेट लॉस अलग चीज़ है, वेट लॉस प्रोग्राम, ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफरेंट है और एथलीट अलग है। ये तीनों चीज़ों को एक साथ नहीं जोड़ सकते आप। ये जो आप लाइफ, अब ये जो टाइम बीत रहा है, ये जो जा रहा है, मैं आपको एक शॉर्टकट में बता देता हूँ बहुत बड़ा। जो बॉडी बिल्डिंग है ना, बॉडी बिल्डिंग या फिटनेस, इसका जो ये ना शुरुआत में ताकत का गेम होता है, ताकत का, खाते हैं हम, करते हैं मेहनत, ये लास्ट में आके कमज़ोरी पकड़ लेता है, जो आप फील कर रहे हो, ये वाकई में यही है। इस टाइम पर इंसान जो अपना लाइफ से जो जीता है, अपना जो टाइम बिताता है, वो क्या होता है कि वो सिर्फ अपना आप को देख के उसका सबसे बेस्ट पूरे दिन के 24 घंटों में जो सबसे अच्छा समय जाता है वो 2 घंटे का जाता है सिर्फ, और वो होता है उसका जिम का, जब वो वर्कआउट कर रहा होता है, अपनी बॉडी को देख देख के खुश होता है, उसी में वो सब कुछ भूल जाता है, और एक उसकी जीतने की चाहत उसको ये 10-15 दिन खिंचवा देती है लंबे, और उसके पास में कुछ नहीं होता, वो बहुत ही मतलब हर टाइम मेडिटेट होना, चिड़चिड़ा रहना, खाने को नहीं, एकदम जान नहीं है शरीर में, नींद आना चाहती है मगर नींद नहीं आ रही, सोना चाहता है वो सो नहीं पाता है, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है, जैसे काफ़ी पेन होना शुरू हो जाते हैं काफ़ी जगह, और एक पेन तो ऐसा होता है कि वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाता। वो पेन क्या होता है, वो साइकोलॉजिकल, मेंटली, मतलब हर टाइम गेम में डूबा रहना, उसी के बारे में सोचना, 100 बातें दिमाग में आती हैं, पता नहीं क्या क्या ख्याल आते हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सभी कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, होगा नहीं होगा, कई बट चीज़ें। ये है कि एक जो चैंपियन होता है उसकी सोच अलग होती है, मुझे करना है, बस करना है और करना है, वो एक नशा है उसकी जीत का, और वो उस नशे में इतना डूबा होता है कि उसको भूख प्यास, धूप, बारिश, आंधी, तूफान, जो कि आपने कर रखा है इस टाइम पे, तो वो ज़रूरी है, और वही है जो आपको यहाँ तक ले आया। वरना भाई मैं दोबारा हर बार मैं यही बोलना चाहूँगा, हर जब जितने भी दिन बोलूँगा, कि एक नॉर्मल सा इंसान एक चीज़ सोच रहा है कि सीधा डायरेक्टली कि मैं कंपटीशन जीतूँगा, और वो इतनी मेहनत करता है कि आज वो दावेदारी कर रहा है ट्रू कार्ड की, ज़बरदस्त,
और दावेदारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट नहीं बोलूँगा क्योंकि वो और एथलीट के मान सम्मान की भी बात है, क्योंकि सभी खेलेंगे ठीक है, तो सभी जीतने के लिए आते हैं। बट सोचो, कैन यू बिलीव कि कोई ऐसा नॉर्मल सा इंसान, ये एक मैसेज है आप सभी के लिए कि अगर वो, और ये नहीं बोल रहे हैं या मैं नहीं बोल रहा कि मैंने तैयार किया या इन्होंने मेहनत कर ली है, ये पब्लिक का कहना है या आप लोगों का कहना है कि प्रो कार्ड का ये दावेदार है। सोचो, जिन्होंने कभी स्टेज पे गए नहीं, कभी खेले नहीं, कभी स्टेज पे आके फ्रंट डबल बाइसेप भी नहीं बनाया, कोई पोज नहीं दिया, और आज उसी को आप ही लोग बोल रहे हैं कि प्रो कार्ड ले आएगा, तो आप भी कर सकते हो। आ गए हम अपने आज के एक्सरसाइज, और आज हम बाइसेप ट्राइसेप्स कर रहे हैं। भाई के पहली एक्सरसाइज चालू हो चुकी है और ट्राइसेप्स इस टाइम पे एक अलग ही लेवल की फिजिक है, मतलब कुछ भी कर ले यार। इसे बोलते हैं जब बॉडी में 5-6% फैट, 15 रैप्स करना भाई, कम ऑन, यस गुड। अब इसी के साथ में हम बाइसेप्स भी करेंगे, आ जाओ भाई। अभी जो मैं इस वीक जो भाई को ज़्यादातर जो एक्सरसाइज कराई है, जॉइंट सेट्स, सुपर सेट्स, ये सभी चीज़, और मतलब शॉर्ट टाइम में एक्सरसाइज होती है, मतलब कम समय में एक बड़ा वर्कआउट, और वो भी भाई ने 100% अभी तक किया है। अभी तक क्या, अब तो वीक का लास्ट डे आ गया है, कल लास्ट डे, तो ज़बरदस्त कर रहे हैं, परफॉर्म बहुत अच्छा हो रहा है, ज़बरदस्त, शाबाश। 6, 7, 8, 9, बहुत बढ़िया, 10, 5 और 5 और, 4, 3, 2, 1, ओके। आप लोगों के सामने आपको भी बहुत हेल्प मिल जाएगी इससे। जो मेन फिजिक होती है उसकी क्या जजमेंट क्या होती है, उसमें क्या क्या पार्ट जज होते हैं, आपको तो पता ही, ये तो एक बेसिक पार्ट है, सबको पता है, नेरो वेस्ट और ये शोल्डर ब्रॉड वाइड, बट उसमें भाई आर्म्स भी जज होता है, फोर आर्म्स भी जज होता है, काफ भी जज होता है, फोर आर्म्स जज होता है। लोग सोचते हैं कि नहीं होता, फोर आर्म्स जज होता है। जब आपसे जज पोज मांगता है तो जजमेंट आपकी वन साइड, जो साइड होती है जिस पर आप पोज बनाते हो, तो आपका फोर आर्म्स भी जज होगा, तो आपका तो प्लस प्लस है, तो बढ़िया। तो ये चीज़ है, तो वो फोर आर्म्स है क्योंकि सिमेट्री ऐसी जज होती है कि इन्होंने भाई, मतलब क्रिएटिविटी की तो जज कर रहे हैं, आपने क्या मेहनत का है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ये कि हम लोग 4 महीने 6 महीने मेहनत करते हैं, जो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, कि हम 4 महीने 6 महीने अपनी बॉडी को एक तराशते हैं, भाई ने बताया था, एक बार पेंट करते हैं, और हम उसको डिज़ाइन को तैयार करते हैं, डिज़ाइन तैयार करके हम स्टेज पे ले जाते हैं, फिर वहाँ बैठी हुई एक जूरी होती है जजों की, तो वो डिसाइड करती है डिज़ाइन और डिज़ाइन से बेटर है, यही है जजमेंट खाली, इन शॉर्ट। बट आपको उसको प्रेजेंट करने का भी अच्छा तरीका आना चाहिए, अच्छे से, जैसे आप कोई खाना भी होता है, अच्छा खाना बना उससे मतलब नहीं है, उसको परोसा कितना अच्छा गया है वो बहुत ज़रूरी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगता है एनर्जी डालनी पड़ेगी भाई बॉडी में, है ही नहीं। X5 ले रहा हूँ गाइस, माइल्ड है, बिकॉज इस टाइम एनर्जी की सख्त ज़रूरत है गाइस। प्री वर्कआउट ये दे सकते हो, वर्कआउट के बीच में ज़्यादा हिट नहीं करेगा ये, बट द सेम टाइम एनर्जी देता रहेगा। कड़वा भी नहीं है, लिंक डाल रहा हूँ, ट्राई करना। 11, 12, 13, 14, 15 बार अमेचर ओलंपिया में आप सभी को बहुत ज़बरदस्त चीज़ देखने को मिलेगी, पहली बार मेरे को भी। बट खुशी की बात की कि हम लोगों ने तैयार की है कि 95+, मतलब 100 माना जाएगा बंदा, वो 100 kg में एक मेन फिजिक एथलीट, पहली बार मैंने भी देखा भाई आज तक इंडिया में, और ये एक हिस्ट्री बनने जा रहा है, और बहुत, और वो भी बहुत ज़बरदस्त कंडीशनिंग में। देखो इंडिया में मैंने अब तक क्या देखा है, बहुत कम लोग देखे, बहुत कम, एक दो, कि बॉडी बिल्डिंग में भी अगर 90+ के बाद में कंडीशनिंग लेके आ जाए अच्छी, बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्क होता है बहुत है। बट क्योंकि, और इस जो ढांचे को अच्छे से यूज़ किया है, नई नई चीज़ें इन्वॉल्व की, डेल्ट बड़े किए, वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़बरदस्त, और ख़ुद को भी लगेगा। ये भी नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है कि ये मेन फिजिक का बंदा नहीं है, दिखने में लुक लाइज नहीं मिल रहा,
आप लोग खुद देख के बोलोगे हाँ यार डिजर्व करता है बंदा। वादा करता हूँ गाइस आपसे, आप कितने बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आते हैं, रियली मोटिवेट हो जाता हूँ, लेकिन कंपटीशन के बाद जब आप मेरी फोटोग्राफ्स देखोगे, आप श्योर आप कई लोग तो देखने भी आएंगे, वो एक बात ज़रूर बोलेंगे सब कि यार बॉडी बनानी है तो तरुण गिल जैसी बनानी है, क्योंकि इस बार ही ना गेम बदलने वाला है गाइस, बिल्कुल बदलने वाला है। देखो गाइस रिजल्ट जो भी हो, हमें रिजल्ट का जैसे कहते हैं ना, अब हम तो होते नहीं, वो रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं, जो जजेस का काम है, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक ही है, ऐसा पैकेज लेके जाओ कि 1 से 8 कर देंगे हमारा, कि ऐसा हो कि लोग बोलें कि यार यही है। बट हाँ, करंट सिचुएशन जो मेरी है, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, बट आई गेस यही है दी अदर साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग गाइस, कि आप जितना देखने में अच्छे लगते हो अंदर से उतने ही वीक होते हो। जैसे भाई ने भी कहा, शुरुआत जब होती है तो आप पूरी जान होती है आप में, जहाँ जहाँ कॉम्पिटिशन आने लगता है, डेट क्लोज आने लगती है, आपकी ताकत आपकी जैसे कहते ना वीकनेस आने लगती है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ मैं क्या फील कर रहा हूँ। आई हैव नो स्ट्रेंथ राइट नाउ, मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है, बिकॉज डाइट लिमिटेड है, नमक लिमिटेड है, कार्ब्स लिमिटेड है। तो भाई जैसे बोल रहे थे अभी के वीकनेस आ रही है, एनर्जी डाउन हो रही है, मगर मैं इनको डेली देख के मेरी एनर्जी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा, इनका कॉन्फिडेंस देख के और रियलिटी में बॉडी को देख के। सबसे मेन चीज़ तो मेन पर्पस है, और भाई कितने कमज़ोर पड़ते जाए इंटरनल, मगर मैं नहीं पढ़ूंगा, और अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो इन्हें पढ़ने भी नहीं दूंगा स्टेज तक तो नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है जहाँ पे वो जब ये वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जो मैं भी पढ़ता हूँ, तो मैंने भी गेम खेले हैं, जब वहाँ पे साउंड सुनेंगे एक वाइब्स आएगी वहाँ जाके, बॉडी वेट पे एक म्यूजिक, अपने आप ही एनर्जी। और क्योंकि जो देखो ये कॉन्फिडेंस आता है जब इंसान अपनी बेस्ट फॉर्म पे होता है ना, तो उसके मुंह से 3 वर्ड निकलते हैं, रिजल्ट कुछ भी हो ठीक है ना, तो वो जब ही निकलते हैं जब वो पता है कि मैं इस टाइम सबसे बेस्ट पीक पे चल रहा हूँ। रियलिटी में ऐसा नहीं है, कोई भी आज की डेट में अंधों की तैयारी नहीं करेगा, 6 महीने इतना मतलब 3-4 महीने 150 दिन तक खाली टाइम पास नहीं करा हम लोगों ने, और दूसरी बात एक प्लानिंग के तहत करा वो, और जब वो चीज़ आ जाती है तो ऊपर वाला भी अपना साथ दे ही रहा है भाई। और सबसे बेस्ट चीज़, और जब जिस एथलीट को आप तैयार कर रहे हो उसके साथ में आपका कोऑर्डिनेशन ज़बरदस्त बन रहा है, हर एक चीज़ जब मैं जो करा रहा हूँ वो चीज़ बॉडी पे आ रही है, जो पोज बना रहे हैं वो आ रहे हैं, और हर एक चीज़ इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि वो इस कमज़ोरी में भी एक प्रॉमिस कर रहे हैं आप लोगों से कि मेरी बेस्ट फिजिक होगी, हर इंसान मेरे जैसी फिजिक बनाना चाहेगा, तो ये श्योरली 100% है, 90% लोगों की चाहत आज भी यही है। मेन फिजिक का शॉर्ट नेम एट्रैक्शन होता है, मतलब किसी भी फिजिक को देख के अट्रैक्ट होना, एक आकर्षित फिजिक, जो मेन फिजिक है वो एक आकर्षित फिजिक होती है कि इसकी जैसी बनानी है, कोई भी देखे कि भाई ये बॉडी है यार ऐसी बनानी है, इंसानों की चाहत बन जाएगी कि 90 किलो में खेलेंगे, मेन फिजिक 90+ में खेलेंगे, उनकी सोचें बदलेंगे कि 75 किलो का 6 फुट 2 इंच का बंदा 75 किलो का नहीं दिखेगा, 95 100 100 अबव दिखेगा आने वाले फ्यूचर में।